भाइयों और बहनों, एक पुरानी कहावत है, न दीने बाजू ले, न दीने बाजू ले, आयता बार पनी बार छे। यानी जो कोई आपको कुछ अच्छा दे नहीं सकता वो सिर्फ बहाने ढूंढता है। 10 साल दीदी को आपने पूरी ताकत दी, दीदी ने क्या दिया? क्या दीदी ने आपका पर्चा पट्टा दिया क्या? क्या दीदी ने आपका पर्चा पट्टा दिया क्या? दिया क्या? क्या दीदी ने चाय और सिनकोना बागानों में सही मजदूरी देना तय करवाया क्या? क्या दीदी ने वनवासी साथियों के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू किया क्या? किया क्या? क्या दीदी ने पहाड़ के विद्यार्थियों को सुविधा दी क्या? क्या दीदी ने डीआई फंड सिस्टम को खत्म किया कि नहीं किया? दीदी ने आपको सिर्फ अभाव दिया, भेदभाव दिया? लॉकडाउन के समय केंद्र सरकार ने जो मुफ्त चावल भेजे, मुफ्त चना भेजा था, उसको भी तृणमूल के तोलाबाजों ने लूट लिया। माताएं बहने, मैंने जो चावल भेजा वो चावल आपको अच्छा लगा था कि नहीं लगा था? मैंने जो चावल भेजा वो अच्छा था कि नहीं था? उसमें भी कट कंपनी आ गई। भाई और बहनों, दीदी ने गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, किसी को उनका जायज हक नहीं दिया। दीदी ने घर में नल नहीं दिया, खेतों में सिंचाई का पानी नहीं दिया, लेकिन यहां की नदियों को माफिया के हवाले जरूर कर दिया। हर स्कीम में तोलाबाजी, हर स्कीम में कटमनी। यही सिलीगुड़ी में ही कुछ दिन पहले दीदी ने कहा कि उनके तोलाबाज तो सिर्फ 100, 200, 500 रुपये लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? बताओ भाई, बड़े आराम से दीदी कह रही है कि तोलाबाज तो 100, 200, 500 रुपया लेते हैं, इसमें इतना चिल्लाते क्या है मोदी? भाइयों बहनों, हम छोटे थे जो कथा सुनी थी, उस कथा में एक बहुत बड़ा डाकू लुटेरा, उसको फांसी की सजा हुई। जब फांसी की सजा हुई तो उसको पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा, मुझे मेरी मां को मिलना है। तो फिर सरकार ने व्यवस्था की कि फांसी पर जाने से पहले उसको उसकी मां से मिलवा दिया जाए। जब वो अपनी मां को मिला तो मां को झपट करके उसने मां की नाक को काट लिया, अपनी मां की नाक को काट लिया, फांसी पे जाने से पहले काट लिया। तो लोगों ने पूछा कि भाई, तुमने अपनी मां पर ये क्यों किया? तो उसने कहा, जब मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर मेरी मां ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता, मुझे फांसी पर जाने की नौबत नहीं आती। और दीदी कह रही है 100, 200, 500 लेते हैं, उसमें क्या है? दीदी, ये वही खेल है जो फांसी पर लटकने वाले अपनी मां की नाक काट ली थी। अरे दीदी, ओ दीदी, अब आपको गरीब का दर्द दिखाई नहीं देता, गरीब की परेशानी दिखाई नहीं देती? गरीबों की दुश्मन ऐसी टीएमसी सरकार को
जाना ही होगा।